नमस्कार। YouTube चैनल मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी, डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल ब्रांच के हैं और जिनको सब्जेक्ट कोड CE5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लाने की इच्छा रखते हो। इसकी इच्छा नहीं होती A+ ग्रेड लाने की, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं आपके साथ हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस को बराबर देखेंगे स्टार्ट टू फिनिश, अपने साथ में पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे, उसका समाधान मिलेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैं आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे कि हमेशा करता आया हूं। आज हम इस वीडियो में, जो कि मेरा वीडियो नंबर 4 है, इसके पहले हम 3 वीडियो आपके लिए ला चुके हैं। पहला जो था वो जनरल था, जिसमें कि 10th मेंबर्स के बारे में बताया था, दूसरा बोल्ट के बारे में था, तीसरा वेल्ड के बारे में था, चौथा आज हम कर रहे हैं टेंशन मेंबर्स जो होते हैं तनाव अवयव, उनकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उनकी सामर्थ्य कैसे निकालेंगे। देखिए, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, एक तो सवाल बनता है स्ट्रेंथ वाला, एक सवाल बनता है डिजाइन वाला। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपको पूरा सेक्शन दिया होता है और आपको पता करना होता है वो कितना लोड ले सकता है, और डिजाइन में लोड दिया होता है हमको सेक्शन तय करना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, यानी आपको सेक्शन दे रखा है, ये भी कह रखा है कि भाई बोल्ट है कि वेल्ड है, सब कुछ कह रखा है, और आपको ये पता करना है कि ये कितना लोड ले सकता है टेंशन में। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर, किसी तनाव अवयव की सामर्थ्य, इसको हम TD कहते हैं, टी कैपिटल और डी, इसको ये मान सकते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, अविकल्प सामर्थ्य। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर, देखिए 3 तरह से हम टेंशन मेंबर की सामर्थ्य ज्ञात करते हैं, 3 तरह से हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं, और उनमें से जो सबसे कम होती है उसी को अपन उस टेंशन मेंबर की सामर्थ्य मान लेते हैं। ये हम पहले आपको कह चुके हैं ना कि अलग अलग 3 प्रकार से सामर्थ्य निकाले, जो सबसे कम होती है वही मानी जाती है, क्योंकि उससे अधिक लोड हम लगा नहीं सकते वरना फेल हो जाएगा। तो पहली जो सामर्थ्य निकालते हैं वो है स्ट्रेंथ इन यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। यील्डिंग मतलब होता है पराभव, ये प्रत्याशा सीमा के बाद आती है, यील्डिंग इज आफ्टर इलास्टिक लिमिट। तो वो जो आपका टेंशन मेंबर है उसके ग्रॉस सेक्शन की, ग्रॉस का मतलब होता है जो सेक्शन आपको मिल रहा है ओरिजिनली शॉप से जो मिल रहा है ना, वही एक्चुअली जो है एक नेट होता है, उसमें से कोई होल वगैरह कुछ कम करके जो निकालते हैं उसको नेट कहते हैं। तो ग्रॉस को हिंदी में सकल कहते हैं, नेट को निबल कहते हैं। तो स्ट्रेंथ इन यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, आप इसको याद रख लें, ये बड़ा पॉपुलर टर्म है TDG, देखिएगा ये बहुत पॉपुलर टर्म है TDG। दूसरा है स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, जो सुराग वगैरह घटाने के बाद में जो बनता है ना नेट सेक्शन बचता है, उसका रप्चर यानी कि तनाव में भंग होना, टेंशन में फैल होना। और तीसरा है स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर, पूरा जो ब्लॉक होता है वो शीरिंग उसका हो जाना, उसका कट जाना, अपरूपित हो जाना। हिंदी के शब्द नॉर्मली काम में कम आते हैं, तो इसलिए आप, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार मैंने लिखा है इसी रूप में इसको याद रखा जाए। ये जो बात कही ना मैंने कि इन 3 में से जो सबसे कम होती है वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाई जाएगी, ये जो मैंने लिखा है इट इज द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, ये पेज 32.6.1 क्लॉज में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, पेज 32 क्लॉज 6.1, पेज 32 लॉ 6.1। देखिए तो पेज 32 है,
और इसका अगर मैं देखूं क्लॉज 6.1, ये क्लॉज 6.1 है टेंस एंड मेंबर्स, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिएगा, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन टीडी इज द लोएस्ट ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन टीडीजी, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन टीडीएन एंड ब्लॉक शियर टीडीएच गिवन इन 6.2, 6.3, 6.4 रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसी टेंशन मेंबर की सामर्थ्य कैसे पता करेंगे। तो आप क्या करें, इस क्लॉज का हवाला देकर और ये तीन चीज लिखकर और कह दें इनमें से जो सबसे कम होगी वो ही टेंशन मेंबर की सामर्थ्य होगी। ये आपने छोटा सा जवाब दे दिया जिसका आंसर आपको किताब में मिल रहा है, किताब मतलब कोड में मिल रहा है। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेंथ इन यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन टीडीजी, ये आपको 6.2 पेज 32 में मिलेगा। दूसरा स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, ये आपको 6.3 पेज 32 में मिलेगा। इसको टीडीएन कहते हैं, उसको टीडीजी कहते हैं, ये बड़े पॉपुलर नेम है, आपके जबान पे आ जाने चाहिए। अपन कहते हैं ना सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है आपस में, उस प्रकार से ही आपके दिमाग में और आपके मस्तिष्क में फिट हो जाने चाहिए ये सारे वर्ड्स, मतलब इसके लिए ज्यादा दिमाग ही लगाना पड़े, ये आपके बोलचाल की भाषा में बन जाने चाहिए टीडीजी टीडीएन और ये TDH तीसरा जो होता है TDB, सॉरी मैं लिखना भूल गया, इसके अंदर ये TDB है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, इट इज TDB डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये देखिएगा TDG, TDN, and TDV ब्लॉक शियर, यह मैं लिखना भूल गया था, अब लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीन स्ट्रेंथ, अब मैं एक एक करके इन तीनों को समझाता हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में ये चूंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको समझाना काफी लंबा होता है और मैं कभी कोई चीज घास की तरह नहीं काटना चाहता, मैं हर चीज को एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ये एक एक पॉइंट आपके क्लियर नहीं होगा तो फिर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, डिजाइन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो इस वीडियो में एक तो स्ट्रेंथ इन यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन पूरा समझाया जाएगा, एक स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, इसमें एक तो प्लेट होती है, एक एंगल्स होते हैं और एंगल्स के अंदर सिंगल एंगल और डबल एंगल होते हैं, तो सिंगल एंगल एंगल तक मैं इस वीडियो में लूंगा, सिंगल एंगल तक, यानी कि ये जो दूसरा पार्ट है ना इसमें प्लेट प्लस सिंगल एंगल, ये दो चीजें लूंगा। डबल एंगल का तो पोर्शन होगा इस रप्चर का वो, और स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, तब जाके आपको ये पूरा क्लियर होगा। उसके बाद अपन सवाल करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। तो ये स्ट्रेंथ इन यील्डिंग TDG ये 6.2 पेज 32 पे आपको मिलेगा, ये देखिएगा पेज 32 तो चल ही रहा है और ये आपको हो गया 6.2, ये देखिएगा, ये दिख रहा है 6.2, ये है, हर चीज लिखी हुई है, आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद भी नहीं करना है, जब आपके सामने कोड पड़ा है तो कहां दिक्कत है। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन TDG इक्वल टू AG इनटू FI अपॉन गामा MO, ध्यान दीजिएगा AG का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी आपको एक चीज समझाऊंगा। फिर FI क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ मेटेरियल, या आपको पता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, और गामा MO क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग, यील्डिंग के कारण जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो टेबल 5 में मिलेगा आपको, किसमें मिलेगा, टेबल 5 में, ये बात चल रही है अपने किसकी, गामा एमओ की बात, टेबल 5 पेज 30। तो अगर आप
पेज 30 देखेंगे, टेबल 5 हम पहले भी देख चुके थे इसको, ये देखिएगा कि पेज 30 टेबल 5 ये रहा आपका गामा एमओ, मिलेगा आपको यहाँ पर, देख रहा है ये रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, ये दोनों एक्चुअली सिंबल एक ही है और वैल्यू भी एक ही है 1.10 दोनों में, लेकिन अभी हमारा मतलब यील्डिंग वाले से है, गामा एमओ देख रहा है 1.10। हर चीज आपके सामने है, इसको ध्यान से देखें आप। तो एजी, अब एजी है क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस एरिया, मैंने आपको जो पहला वीडियो दिखाया था ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें आपको मैंने एंगल सेक्शन हो, प्लेट प्लेट हो, उसका ग्रॉस एरिया बताया था, फिर भी अभी एक बार और समझा देता हूँ। देखिएगा जैसे ये कोई प्लेट है, और इसके ऊपर दूसरी प्लेट है, और ये मैं इसको लाइन को यहाँ पे डॉटेड कर देता हूँ, ये डॉटेड कर दिया मैंने, इसको नीचे वाली प्लेट मान लेते हैं, ये वाली प्लेट ऊपर वाली है, और ये डॉटेड थी ना, ये नीचे वाली हो गई। मान लीजिए इसकी मोटाई जो है 8 mm है, और इसकी मोटाई मान लीजिए 10 mm है, और आप इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, अब आप अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मैं अगर साइड व्यू देखूं इसका ऊपर वाली प्लेट का, ये प्लेट ना ऊपर वाली, इसका अगर मैं देखूं साइड व्यू तो कैसा नजर आएगा मेरे को, ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए तो विड्थ है भी, मान लीजिए 200 mm है, ये विड्थ कितनी है 200 mm, तो आपको एक तो विड्थ दिखेगी यहाँ पे 200 mm, ये देखिए 200 दिख रही है आपको विड्थ, मैं साइड से देख रहा हूँ इधर से, और थिकनेस इसकी 8 ही है, 200 × 8 हो गया बस, ये लो। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं नीचे वाली प्लेट का, तो है तो ये भी 200 ही, विड्थ तो इसके 200 ही है इसकी भी, लेकिन थिकनेस इसकी 10 है, तो अगर मैं ये कहूं आपको इसी के तरह बना देता हूं मैं, तो थिकनेस इसकी कितनी 10 है, ये इसकी थिकनेस 10 है, विड्थ तो 200 ही है। अब ये दो प्लेटें हैं, इसका एरिया कितना होगा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, हमेशा ध्यान देना टेंशन के जिधर लग रहा है, जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया लेना होता है। इस प्लेट का एरिया कितना है 200 × 8, इसका कितना है 200 × 10, तो आप क्या लेंगे, 200 × 8 लेंगे कि 200 × 10 लेंगे, हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ हमेशा कमजोर प्लेट के हिसाब से तय होती है, हम एक ग्रोथ लेंगे 200 × 8, 200 × 10 नहीं लेंगे। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एंगल सेक्शन का, तो एंगल सेक्शन में आप जानते हैं ये गजेट प्लेट है, और ये एंगल सेक्शन है कोई, तो एंगल सेक्शन जो भी होगा ISA 90-60 जो भी होगा उसका तो एरिया आपको डायरेक्टली मिलेगा ना हैंडबुक से, तो कोई चक्कर नहीं है, इसमें निकालना पड़ता है, इसमें आपको हैंडबुक से मिल जाएगा, अगर सिंगल एंगल है तो, अगर डबल एंगल है मान लीजिए तो जो सिंगल का एरिया होता है उसको दुगना कर देंगे, बस ये ग्रॉस एरिया हो गया। एंगल में समस्या नहीं है, प्लेट में कभी आती है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये मैंने आपको बताया है, इसके बारे में मैंने बताया आपको, एजी के बारे में, ग्रॉस एरिया के बारे में। FY तो 285 ही लेना है, क्योंकि FU410 ग्रेड के स्टील के लिए FY 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। एक और का ध्यान रखना, ये रहेंगे एमएम स्क्वायर में, ये रहेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये पार्शियल शिफ्ट है, ये हमेशा 1.1 ही होगा। इससे आपको TDG मिल गया, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, अगला पोर्शन है स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन TDN, ये मिलेगा 6.3 पेज 32, 6.3 पेज
थर्टी टू ये देखिएगा, सिक्स पॉइंट थ्री पेज 32। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। अब टेंशन मेंबर इसमें जो दे रखे हैं वो या तो प्लेट्स के रूप में या फिर एंगल के रूप में, ये प्लेट्स की बात चल रही है। तो प्लेट्स के देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, द डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ ए प्लेट TDN एज गवर्न्ड बाय रक्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया AN एट द होल्स इज गिवन बाय TDN बराबर 0.9 AN FU अपॉन गामा ML। ये सब कुछ आपको दे रखा है, केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, सॉरी फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि किस पेज पर है। वैसे तो आप जब सवाल करेंगे तो सारे आप बिना इसके याद हो जाएंगे। तो ये रहा फॉर्मूला आपके लिए, TDN बराबर देख रहे हैं आप 0.9 AN FU अपॉन गामा ML। FU वही अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल एज यूजुअल, ये कितनी होती है, होती है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गामा ML जो है वो कहाँ से लेंगे आप, टेबल 5 पेज 30, ये 1.25 होगा गामा ML। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, गामा ML ये देखिएगा, ये आपको मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे गामा ML दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिएगा, ये देखिएगा गामा ML, ये रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस गामा ML, ये आपको जो है ये फिक्स है, इसकी वैल्यू 1.25। आप प्रैक्टिस करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा आपको, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप आपका हाथ लिखने लग जाएगा, इतना होगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। 1.25 टेबल 5 पेज 30। अब बात आती है नेट एरिया की, प्लेट का नेट एरिया कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेट एरिया निकालने, अच्छा इस पे सवाल बनते हैं भाई, ध्यान देना, इस पे अलग सवाल बनते हैं, तीन तीन नंबर के। कभी कभी अगर आपका भगवान ने चाहे भाग्य अच्छे हुए तो 8 नंबर का सवाल भी आ सकता है। मैं इसको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, और ये सब कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोड में लिखा हुआ है। नेट एरिया मैंने बोल के बता दूं, बी माइनस एन इंटू डी एच, डी एच का मतलब डायमीटर ऑफ होल, इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, 1 mm जोड़ते हैं, 2 mm जोड़ते हैं, 3 mm पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बी माइनस एन डी एच प्लस सिग्मा पी एस आई स्क्वायर अपॉन 2 GI। आई एक्चुअली एक नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पिच 4 है, तो आई एक बार 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, ऐसे गेज डिस्टेंस भी 1 2 3 4 होगी। ये सिग्मा का मतलब ये होता है, अलग जैसे मान लीजिए 3 है, तो PS1 स्क्वायर अपॉन 2G1 प्लस PS2 स्क्वायर अपॉन 2G2 प्लस PS3 स्क्वायर अपॉन 2G3 ऐसे, और ये सब देखेंगे बड़े कोष्टक में इंटू टी कर देंगे, ये आपको मिलेगा पेज 33 6.3 क्लॉज ऑफ द कोड जो होता है, और एट टॉप पे मिलेगा ये पेज 33 का जो टॉप है ना वहां मिलेगा आपको, पेज 33 के टॉप पर मिलेगा, पेज 33 के टॉप पर मिलेगा। ये रहा आपका पेज 33 और ये जस्ट ए मिनट, और बी माइनस डी एन वाला फॉर्मूला है ना, ये देखिए ये पेज 33 और ये देखो टॉप है, बाकी मैं कहना चाहिए टॉप लेफ्ट में, आखिर टॉप राइट ना समझ लें आप इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। हालांकि एग्जाम में अगर आप रेफर करेंगे ना तो ये टॉप और लेफ्ट की जरूरत नहीं है, केवल आपको 6.3 पेज 33 लिखना ही काफी है। तो अभी चूंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए मैं आप डिटेल में जा रहा हूँ। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कहीं कोई संशय नहीं है। ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बी माइनस एन डी एच
प्लस सिग्मा पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI, ये सिग्मा, और आई का मतलब 1 2 3 4 5 6 इंटू टी, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करना चाहूँ, सपोज चार पिच है और चार गेज डिस्टेंस है। अब पिच क्या होता है, पिच नहीं एक्चुअली होता है, स्टेगर्ड पिच होता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको हिंदी में कहते हैं विषम अंतराल, इंग्लिश कहते हैं स्टेगर्ड पिच, पी एस को एस लगाना है, एस का मतलब स्टेगर्ड, इट इज नॉट ऑर्डिनरी पिच, इट इज स्टेगर्ड पिच। मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है, अभी समझाऊंगा। मान लीजिए चार स्टेगर्ड पिच है और चार गेज डिस्टेंस है, तो मैंने देखिए आई अब हटा दिया है, सिग्मा भी हटा दिया है, सिग्मा मतलब होता है समेशन। देखिए ये जो सिग्मा आई नीचे लिखा हुआ है और पी एस आई स्क्वायर अपॉन 2 GI को मैंने ऐसे लिख दिया, पी एस वन स्क्वायर अपॉन 2 G1 प्लस टू प्लस पी एस टू स्क्वायर अपॉन 2 G2 प्लस पी एस थ्री स्क्वायर अपॉन 2 G3 और प्लस मान लीजिए मैंने चार नहीं मान लो एन हुए ऐसे, तो डेस 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 करके आखिर में पी एस एन स्क्वायर अपॉन 2 GN। सपोज चार होते तो चार पे मामला खत्म हो जाता, अगर तीन होते तो तीन पे रुक जाते, अगर 10 होते तो ये 10 तक चलता है यहाँ पे, इन जनरल मैंने एन लिख दिया। अब यहाँ एक समझ लीजिए कि बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है विड्थ ऑफ प्लेट, ये आपको मैं सिखा चुका था अभी कुछ देर पहले, ये आपकी प्लेट की विड्थ है, इट इज बी, ठीक है, टी थिकनेस ऑफ प्लेट, कोड में थिकनेस ऑफ प्लेट लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो दो पार्ट जोड़ते हैं ना उसमें से थिनर, डीएच डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इन केस ऑफ। अच्छा ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बोल्ट का डायमीटर ना उसमें 1 mm 2 mm या 3 mm जोड़कर अलग अलग केस के हिसाब से, और वो निकालेंगे। इसमें एक और नई चीज है जो कोड में लिखी हुई है, ये मैंने स्टार लगा दिया, इम्पोर्टेंट का, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि जो आप सुराख करते हैं मशीनों द्वारा, तब तो वो 1, 2 और 3 लेते हैं अपन अलग अलग केस के लिए, लेकिन जितना आप 1 mm जोड़ेंगे अथवा 2 mm जोड़ेंगे अथवा 3 mm जोड़ेंगे, उसके बाद भी 2 mm आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बोल्ट का डायमीटर है 16, तो आप 18 तो वैसे भी हो गया, पर अब आप लेंगे 20, कब, एक केस देखिए, इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच्ड होल एड 2 mm, आपने होल को डायरेक्टली पंच कर दिया है, एक तो होता है मशीन मशीन से करें, एक वो मतलब ये सीधा पंच करेंगे ना हथौड़े से मार मार के डायरेक्टली, उस केस में फिर आपको 2 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। तो ये नॉर्मली हम लेते नहीं है, बोर्ड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आवे उसमें से लिख दिया जाए कि जो होल किया गया है वो डायरेक्टली पंच करके किया गया है, तो उस केस में जो अपन नॉर्मली 1 mm 2 mm या 3 mm बढ़ाते हैं, वो बढ़ाने के बाद भी 2 mm एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रखें। ये बातें मैं आपको जोर देके कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एन नंबर ऑफ बोल्ट होल्स इन द क्रिटिकल सेक्शन, आप जिस सेक्शन पर नेट एरिया निकालना चाहते हैं ना, उस सेक्शन पर कितने होल आ रहे हैं, उनकी सुराखों की संख्या। पी एस स्टेगर्ड पिच, अभी समझो मैंने फिगर बना के, और जी होता है गेज लेंथ, गेज डिस्टेंस। ये देखिए आपके सामने फिगर है, ये फिगर आपको पेज 33 पे मिलेगा, फिगर 5 है पेज 33 पे, ये देख रहा आपको, ये फिगर 5 पेज नंबर 33 ये भी दिया हुआ, लेकिन मैंने इस फिगर को और ज्यादा डिटेल बनाया, आपने इसमें कहीं आपको इस फिगर के अंदर आपको साइड व्यू नहीं मिल रहा है, मैंने साइड व्यू बना दिया है। ये देखिए मैंने इसका प्लेट का सेक्शनल साइड व्यू बना दिया, सेक्शनल साइड व्यू। देखिए क्या होता है, जब इस प्रकार से दो प्लेटों को जोड़ते हैं और आप बोल्ट होल करते हैं, तो पता नहीं किस सेक्शन पर वो रप्चर हो जाए, नेट सेक्शन का कुछ नहीं पता, हमको क्या करना पड़ता है,
कि अलग अलग सेक्शन पर नेट एरिया निकालना होता है और जिस पर सबसे कम आता है वही अपन क्रिटिकल मानते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, हमने जो सेक्शन लिया है ना, हम चाहते तो सीधा ले सकते थे, ये सीधा ले सकते थे, ये हम चाहते ये सीधा ले सकते थे, हम चाहते यूं लेके यूं लेके यूं लेके यूं ले सकते थे। इसलिए मैंने चार पांच एग्जांपल अभी किए हैं इस वीडियो के अंदर। मैं समझो जैसे मैंने कोई एग्जांपल, ये एग्जांपल पहला ही, इसको एग्जांपल ही मान लो, ये एग्जांपल दो लिया है, फिर मैंने एग्जांपल तीन लिया है, फिर मैंने एग्जांपल चार लिया है। इससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी ये फॉर्मूला समझने के लिए। तो पहले मैं जो आपको कोड में दे रखा है ना उसी को लेके चल रहा हूँ, कोड वाला ही। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने सेक्शन कौन सा लिया, देखिए लिखना पड़ेगा आपको क्रिटिकल सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 पे खत्म कर देंगे इस प्रकार से। अगर आप इस रास्ते से बोल्ट को काटते हुए निकालेंगे ऐसे ऐसे यूं ऐसे, कितने बोल्ट कट गए बीच में आ गए, देखिए कितने बोल्टों की हत्या हो गई ऐसे समझे आप, कितने बोल्ट का मर्डर हो गया, कट गए 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5। तो 5 डायमीटर बोल्ट के कम हो जाएंगे। देखिए ये आपने बनाया इसका सेक्शनल साइड व्यू, इट इज साइड व्यू। ये देखिए प्लेट की विड्थ है बी, दिख रही है आपको बी यहां से यहां तक, और कितने सुराख बन रहे हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5, ये मैंने साइड में दिखाया। देखो ये वाला सुराख आपको ये नजर आएगा, दिख रहा है ये सुराख, और ये वाला सुराख, ये वाला सुराख, ये वाला सुराख और ये वाला सुराख। तो इनके सीध में आपको 5 सुराख मिलेंगे, और सुराख का मतलब होता है ये डीएच डायमीटर होल, ये तो डायमीटर होता है ना ये वाला, पर इस साइड व्यू में आपको ये रेक्टेंगल नजर आएगा। यहाँ तो आपको दिख रहा है सर्कल होल के लिए, पर ये जो है ये तो प्लान है, प्लान में सर्कल दिखेगा, लेकिन जब साइड से देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पे ये लिखा मैंने डीएच डायमीटर ऑफ होल। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, बी आपको दे रखा होगा, क्या फॉर्मूला, बी माइनस एन डी एच, एन का मतलब नंबर ऑफ बोल्ट होल, कितने होल है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। डी एच डायमीटर ऑफ होल प्लस 4, और क्यों लगाया हमने, वो था ना सिग्मा पी एस, सिग्मा पी एस स्क्वायर अपॉन 4g, 4g ये जो फॉर्मूला था हमारा। अब क्या है कि अब मैं बात करता हूँ स्टेगर्ड पिच की। देखिए वैसे पिच जो होता है इस रिवेट से इस रिवेट के बीच में, तो ये पिच है, इससे इसके बीच में ये पिच है, इससे इसके बीच में ये पिच है, लेकिन फोर्स के पैरेलल बात करते हैं, ये फोर्स है ना, फोर्स इसके पैरेलल, तो यहां से यहां जब चलेंगे ना तो ये जो डिस्टेंस है इन दो के बीच, ये हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड एज स्टेगर्ड पिच पी एस। और जब यहां से यहां आएंगे तो सेम ही है, क्योंकि देखिए ये दो लाइन वर्टिकल है, दीज आर टू वर्टिकल लाइंस, और दो वर्टिकल लाइन के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है। यानी ये अगर यहां से यहां तक पी एस है तो यहां से यहां तक भी ये पी एस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी पी एस होगा, यहाँ यानी लगातार दो जो आपने बोल्ट होल लिया ना उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल गैप होगा वो पी एस होगा। और यहाँ मैंने जी भी बराबर लिया है, जी का मतलब होता है आप भी समझ लीजिएगा, पी एस का मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और जी का मतलब वर्टिकल प्रोजेक्शन, आप भी समझ लीजिएगा, बड़ा सिंपल वे में बताया था आपको मैं। लेने की तो ये जो है ये पी जी है, पीएस स्टेगर्ड पिच वो होता है फोर्स के पैरेलल, ये फोर्स है ना, ये फोर्स दिख रहा है इसके पैरेलल, और जी जो होता है ये होता है फोर्स के परपेंडिकुलर। ये रिवेटिंग आ गया तो ये जी इसका ये हो जाएगा। अभी हमने सब जी बराबर माने हुए हैं, अभी हमने जी को बराबर माना हुआ है, यानी आप देखिएगा यहाँ से यहाँ बीच का गैप जी है, फिर यहाँ से यहाँ जी है, हर एक बराबर लिया मैंने। उस केस में जब पता है तो पी और जी बराबर है तो हम बार बार क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखिए पी कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जी भी 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हमने 4 लिख दिया यहाँ पे।
फोर इंटू पी एस स्क्वायर अपॉन फोर जे। अब ये मैंने पूरा समझा दिया है, इसको देखिए मैंने थोड़ा फॉर्मूला को समझाने की कोशिश की है। मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा समझाना चाहता हूँ ये कैसे हो रहा है, हालांकि कोड में आपको नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ बॉक्स बना के। देखिए अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो बी इंटू टी हो जाएगा माइनस फाइव इंटू डी एच इंटू टी हो जाएगा, फाइव डी एच इंटू टी प्लस फोर इंटू पी एस स्क्वायर अपॉन फोर जी इंटू टी, फोर इंटू ये हो गया। अच्छा अगर मैं पी एस को जीरो कर दू, इफ आई कीप पी एस जीरो यानी कोई स्टगर्ड पिच नहीं है, उस केस में ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी, तो समथिंग अपॉन अगर ऊपर जीरो हो तो नीचे कुछ भी हो नॉन जीरो तो जीरो पूरा जीरो बन जाएगा। उस केस में जो नेट एरिया होगा वो बी टी माइनस फाइव डी एन इंटू टी हो जाएगा, अगर टी कॉमन ले लो तो बी माइनस फाइव डी एच इंटू टी हो जाएगा। अब आप देखिएगा हम कह सकते हैं कि स्टेगर पिच से ये एमसीक्यू बन सकता है, आपके एमसीक्यू ऐसे ही बनते हैं। स्टेगर पिच जो होता है वो नेट एरिया को बढ़ाता है, घटाता कभी भी नहीं है। पी एस इंक्रीजेस नेट एरिया, क्योंकि अगर पी एस जीरो है तब तो नेट एरिया ये होगा सिंपल, बी में से उतने सुराख घटा दो जितने इंटू टी कर दो बस। लेकिन स्टेगर पिच क्या करता है, प्लेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि नेट एरिया बढ़ गया ना, और जब नेट एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैंने समझाया आपको, काम यही आएगा फॉर्मूला। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा, मैं नेट एरिया निकालने के लिए कई एग्जाम्पल मैंने अपने हिसाब से बनाया, ये तो आपको कोड में दे रखा है, ये मैंने अपने मन से बनाया। देखिएगा मान लीजिए ऐसा कुछ होता, ये एक होल, ये दूसरा होल, ये तीसरा होल, और ये मैं सेक्शन लेता इस प्रकार का, कौन सा क्रॉस सेक्शन है ये, कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, वन टू थ्री फोर फाइव लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए हमारा फॉर्मूला वही है, बी माइनस एन डी एच, या कितने सुराख बन रहे हैं, एक दो तीन, तो बी माइनस थ्री डी एच हो गया प्लस। अब देखिए यहां से यहां चलेंगे और यहां से यहां चलेंगे, ये लाइन है दोनों वर्टिकल, इसका मतलब पी एस तो सेम होगा, यहां से यहां के लिए जो होगा वही यहां से यहां के लिए, लेकिन जी अलग अलग है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस, ये थोड़ी कम है और ये थोड़ी ज्यादा है। वहां तो क्या सब बराबर थी, वहां तो ये डिस्टेंस इनके बीच का वर्टिकल से बराबर थी, यहाँ अलग अलग है। यहाँ देखिए मैंने क्या कर दिया, बी माइनस थ्री डी एच प्लस पी एस स्क्वायर अपॉन फोर जी वन प्लस पी एस स्क्वायर अपॉन फोर जी टू, क्योंकि पी एस तो सेम है, इंटू टी तो करेंगे, टी का मतलब जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब देखिएगा एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल तीन मैंने मन से बनाया। मान लीजिए कभी कुछ इस प्रकार का सेक्शन होता क्रिटिकल, कौन सा, ये देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने सुराख बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, लेकिन इन सब के अंदर पी भी अलग है और जी भी अलग है। आप देखिए जरा इस सुराख से इस सुराख के बीच में ये स्टगर्ड पिच है, इस सुराख से इस सुराख के बीच में ये स्टगर्ड पिच है जो कि इससे अलग है, इस सुराख से इस सुराख में ये स्टगर्ड पिच है, और इससे इसके बीच में ये चारों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ चार वर्टिकल लाइन बन रही है, देखो एक दो तीन चार, चारों अलग अलग है। इसी तरह से जी भी अलग अलग है, इन दो बोल्ट के बीच का जो वर्टिकल गैप है वो जी वन, इन दो के बीच का वर्टिकल गैप जो है वो जी टू, ये देखिएगा या नहीं, ये देखो ये लाइन देखिए, देखिए प्रोजेक्शन देखिए आप, और इन दो के बीच का जी थ्री, और इन दो के बीच का जी फोर, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर भी अलग अलग है। यहाँ क्या हो गया, होल कितने हैं पांच, तो बी माइनस फाइव डी एच प्लस पी एस वन स्क्वायर अपॉन फोर जी वन प्लस पी एस टू स्क्वायर अपॉन फोर जी टू प्लस पी एस थ्री स्क्वायर अपॉन फोर जी थ्री प्लस पी एस फोर अपॉन फोर जी फोर इंटू टी कर देंगे। एक मैंने एग्जाम्पल और ले लिया, देखिए यहाँ पर हमने चार बोल्ट लिए हैं, चार बोल्ट होल, एक दो तीन चार, और सेक्शन को नाम दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ सुराख तो आपके एक दो तीन चार है, बी माइनस फोर डी एस तो आएगा,
प्लस, अब यहां से यहां चलेंगे तो स्टैगर्ड पिच है पीएस, और यहां से यहां का बीच का जो है जीवन है, और यहां से यहां का पिच तो सेम ही है लेकिन जी अलग है मान लो। और जब यहां से यहां चलेंगे तो जी तो है पर स्टैगर्ड पिच नहीं है, क्योंकि ये दोनों होल जो है चौथे और पांचवे, ये जो है ना सुराग जी, ये बोल्ड होल, ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पर है। जब एक ही वर्टिकल लाइन पे बीच का हॉरिजॉन्टल गैप तो होगा नहीं कुछ भी। तो देखिए क्या हो गया, बी माइनस, क्योंकि सुराग चार है, एक दो तीन चार, तो फोर डी तो आएगा ही आएगा, प्लस पी एस, अच्छा पी एस जो यहाँ से यहाँ के बीच में वो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो मैंने दोनों में पी एस लिखा। अगर ये अलग होता तो मैं पी एस वन पी एस टू लिखता, पर यहाँ दोनों सेम है, तो पी एस वन स्क्वायर अपॉन फोर जी वन प्लस पी एस स्क्वायर अपॉन फोर जी टू। देखिए ये पी एस है लेकिन ये गैप जो है वो जी वन है, और ये गैप जी टू है, और ये इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हालांकि गैप तो ये है, इसको आप जी थ्री कह सकते हो, आप कह सकते हो जी थ्री है, यू मे से इट इज जी थ्री, पर पी तो नहीं है ना, पी एस तो जीरो हो गया ना। अब जीरो स्क्वायर करें अपॉन कुछ भी करें, अगर किसी शून्य में किसी अशून्य का भाग लगा, इफ ए जीरो इज डिवाइडेड बाई नॉन जीरो नंबर इट विल गिव जीरो, इसलिए हमने लिखा ही नहीं उसको। तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर प्रकार से इस फॉर्मूले को काम में कैसे लें। अब अंतिम दो पेज अपने चलेंगे इस वीडियो के, पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20, दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सवाल इन दो पेज पर आते हैं, नॉर्मली ग्रेड के ऊपर सवाल नहीं बनता है। अब अभी हमारा केस वही चल रहा है, ध्यान रखना हमारा केस नहीं बदला है, केस हमारा वही चल रहा है। ये समाधान वही चल रहा है, कौन सा दूसरा, स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन। अभी हमने पहला केस लिया था प्लेट का, मेन केस तो दूसरा ही चल रहा है, किसी टेंशन मेंबर की रप्चर में नेट नेट क्रॉस सेक्शन की जो रप्चर में स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें प्लेट को लिया था, अब मैं लूंगा इसमें एंगल को। तो देखिए मैंने लिया सिंगल एंगल, सब कुछ कोड में है, इस बात को ध्यान रखना, ये बात कभी आपको भूलनी नहीं, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कोड कोड कोड, हैंडबुक हैंडबुक हैंडबुक, इसलिए आप पेन कॉपी साथ लेके बैठो मेरे साथ साथ, और जो मैंने रेड ये हैंडबुक के या ये जो आपके कोड है ना उसके जो पेजेस हैं क्लोजेज हैं वो सारे मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब तक मैं बच्चों को पीडीएफ दिया करता था लेकिन मैंने पीडीएफ देने का नुकसान सहन कर लिया पिछली बार। पीडीएफ से क्या होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, होशियार बच्चे तो खैर अच्छे नंबर ले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में कमजोर होते हैं और वो फिर पीडीएफ को क्या करते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकाल के आराम से उसको देख के करते, अपने हाथ से कुछ नहीं करते, वो रट्टे मारते हैं नाइट को देख देख के, फिर वो देख देख के याद करते, ये चीज देख के याद करने की होती नहीं है, आप जब तक हाथ से नहीं लिखोगे याद नहीं होंगे। और बच्चे फिर ये, और ये बच्चे क्या करते हैं कि फिर जो हमारा ये जिस एप्स में पढ़ाता हूँ इसके जो पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लेके फिर और बच्चों को भेज देते हैं। देखिए ज्ञान बढ़ता है, कोई नुकसान की बात नहीं है, पर दुख क्या होता है इस बात का होता है कि जो बच्चे फीस देते हैं वो तो फेल हो जाते हैं, जो फीस ही देते हैं वो पास हो जाते हैं नोट देख देख के, ये फिर अनफेयर मैच हो जाता है सारा। मैंने इस बार तय किया है कि मैं अब कभी बच्चों को किसी बच्चे को मैं ये अपने जो पीडीएफ बना के नोट्स के नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं मैं जब समझा रहा हूँ हर चीज समझा रहा हूँ, हर चीज में आपको समझा रहा हूँ, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से नोट कर सकते हैं, और आप हर पेज नंबर दे रहा हूँ, कहाँ दिक्कत, कोड आपके पास पड़ा हुआ है, कोड की आप कोड हुआ हैंडबुक हुआ इन सब की आप हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा। तो सिंगल एंगल सेक्शन जो होता है उसके ऊपर निकाल रहे हैं रप्चर स्ट्रेंथ इन नेट क्रॉस सेक्शन, पेज 33 6.33, पेज 33 ये देखिएगा, पेज 33 दिख रहा है आपको, पेज 33 और 6.33 ये देखिएगा, 6.3.3 सिंगल एंगल साफ साफ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ देखिएगा, द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग। देखिए एंगल जो होता है गजर पेड़ से
नॉर्मली एक लेग के द्वारा जुड़ा होता है। कभी कभी किसी केस में आपको दो लेग भी जुड़ी भी बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आपके कभी आते नहीं है। हम एक लेग कनेक्ट, वो चाहे छोटी लेग कनेक्ट करें चाहे बड़ी लेग, शॉर्ट लेग या लॉन्ग लेग कुछ भी कनेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिंगल लेग को कनेक्ट किया उसके लिए फॉर्मूला है। द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ एन एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग इज अफेक्टेड बाई शियर लेग। एक शियर लेग इसका इफेक्ट एक आता है, और शियर लेग के इफेक्ट को लेने के लिए ही ये हमने एक फॉर्मूला पूरा बनाया, जिसमें जो बीटा एक कांस्टेंट है जिसको निकालना आपको मैं सिखाऊंगा। अभी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको याद नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है। इसकी एक एक टर्म को मैं समझा रहा हूँ। पहले फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ, टी डी एन इज इक्वल टू 0.9 ए एन सी इंटू एफ यू बटा गामा एम एल प्लस बीटा इंटू ए जी ओ। देखिए ए एन सी का मतलब होता है नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, एन का मतलब नेट, सी मतलब कनेक्टेड, जो टांग जोड़ी गई है एंगल की उसका नेट एरिया, और ये जी ए जी ओ, जी मतलब ग्रॉस, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, जो लेग आउटस्टैंडिंग है यानी जो लेग जुड़ी हुई नहीं है उसका ग्रॉस एरिया। तो बीटा इंटू ए जी ओ इंटू एफ आई अपॉन गामा एम ओ, ये फॉर्मूला है। इसमें जो बीटा है, ये बीटा इसका भी आपके पास फॉर्मूला है, 1.4 माइनस 0.076 इंटू डब्ल्यू बटा टी इंटू एफ आई बटा एफ यू इंटू बी एस बटा एल सी, ये फॉर्मूला। अब हर चीज को समझाऊंगा आपको मैं, डब्ल्यू क्या है, टी क्या है, एफ आई क्या है, एफ यू क्या है, बी एस क्या है, एल सी क्या है, ये सब आपको सिखाऊंगा अभी अगले 10 मिनट के अंदर। अब आप जब इस फॉर्मूले से बीटा निकालेंगे तो ये क्या किसमें साथ में है कि उस बीटा की वैल्यू ये आप देखें, एफ यू इंटू गामा एम ओ यानी एम जीरो अपॉन एफ वाई इंटू गामा एम एल, इससे कम या बराबर होने चाहिए, यानी ये जो वैल्यू निकलती है ना शुड बी लेस देन, या इसको यूं कह सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं ना 8 से कम हो या बराबर हो, यानी कि 8 से ज्यादा ना हो, और साथ में क्या कहा है कि 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए या 0.7 के बराबर होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे, या तो 0.7 हो या 0.7 से बड़ी हो, यानी कि शुड नॉट बी लेस देन 0.7। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये जो बीटा निकाला आपने इस फॉर्मूले से, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.7, 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी मोर देन ये जो आप एफ यू इंटू गामा एम ओ अपॉन एफ वाई इंटू गामा एम एल। अब मैं आपको हर चीज इसकी समझाऊंगा। यहाँ एक ये फिगर भी दे रखे हैं, ये फिगर बड़े काम के, ये फिगर मैंने बना दी आपके नोट्स के अंदर, मैंने अपने मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। सिंगल एंगल कनेक्टेड थ्रू वन लेग एंड अदर लेग इज आउटस्टैंडिंग, ये फॉर्मूला मैंने बोला था अभी, 0.9 ए एन सी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम एल प्लस बीटा ए जी ओ इंटू एफ आई अपॉन गामा एम, ये पेज 33 6.3.3 पे लिखा होगा। ये अलग चीज अभी आपको समझाऊंगा बाद में। वेयर बीटा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 इंटू डब्ल्यू बटा टी इंटू एफ आई बटा एफ यू इंटू बी एस बटा एल सी, सब कुछ मैंने क्लियर लिखा हुआ, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कोड में लिखा हुआ सारा। और बीटा जो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ये जो फॉर्मूले से बीटा निकलेगा ना, ये बीटा जो निकलेगा ये इससे कम या बराबर, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा या बराबर यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ। ए एन सी इस फॉर्मूले में ना, ए एन सी का मतलब है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, सी का मतलब कनेक्टेड। अब कैसे निकालते ये बताऊंगा मैं अभी आपको। एफ यू, एफ यू, एफ यू का मतलब है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, सॉरी एफ वाई है पहले, ये पहले नहीं है, पहले एफ यू है, सॉरी एफ यू है, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील, ये 410 लेंगे हमेशा, एफ यू 410 ग्रेड के लिए। फिर गामा एम एल, ये वाला गामा एम एल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस गवर्न बाई अल्टीमेट स्ट्रेस, ये आपको मिलेगा पेज 30 टेबल 5
मैं बता चुका था 1.25 होता है। फिर इसमें आइए आप एजीओ, ये ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, जो लेग कनेक्टेड नहीं है ना उसके अलावा लेग, उसका ग्रॉस एरिया, ये सब निकालना सिखाऊंगा आपको, सारा सिखाऊंगा अभी आपको मैं। एफ वाई क्या देखिएगा, एफ वाई, एफ वाई होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ये हमें 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर स्टील ग्रेड एफ ई 410 या ए 410। फिर गामा एम ओ, ये गामा एम ओ जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस गवर्न बाई यील्डिंग, ये 1.10 होती है, ध्यान देना मैं समझा चुका हूँ। गामा एम एल 1.25 और गामा एम ओ 1.10, ये अच्छे से याद कर ले आपको ध्यान से। अब मैं समझा रहा हूँ बीटा के बारे में, बीटा के बारे में क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि समझाने में दिक्कत नहीं आए मेरे को, क्योंकि ये दो बार मुझे बार बार पेज बदलना पड़ेगा ना, जो ठीक बात नहीं होगी, जो ठीक बात नहीं होगी, इसलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए वापस से। देखिए बीटा जो है वो है बीटा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 इंटू डब्ल्यू बटा टी इंटू एफ वाई बटा एफ यू इंटू बी एस अपॉन एल सी, ये फॉर्मूला है। एंड हम ये कहेंगे इट शुड नॉट बी लेस देन 0.7, 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी मोर देन एफ यू बटा एफ वाई इंटू गामा एम ओ अपॉन गामा एम एल। अब मैं इसको सिखाता हूँ आपको काम में लेना, देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ना डब्ल्यू, यहाँ पे ये डब्ल्यू लिखा है मैंने, डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है आउटस्टैंड लेग विड्थ। अब जैसे देखिएगा ये आपका फिगर है, फिगर है, ये वाला फिगर ही है एग्जैक्टली, ये मैंने बनाया है अपनी कॉपी के अंदर भी, देखिएगा ये आपको कोड में मिल रहा है, फिगर नंबर 6 है पेज नंबर 33 पर। ये एंगल सेक्शन है, ये गजट प्लेट है, ये एंगल सेक्शन है, ये गजट प्लेट है, यहाँ आपने इसको बोल्ट से जोड़ा है और यहाँ ये वेल्ड है, देखिए ये वेल्ड है ना दोनों तरफ, तो ये जो लेग आपने जोड़ी है बोल्ट से या वेल्ड से इसे कहते हैं कनेक्टेड लेग, यानी कि जोड़ी गई टांग। और ये जो बाहर निकली हुई है आउटस्टैंड कर रही है, बाहर निकली हुई है उसकी जो लेंथ है वो डब्ल्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये सारी बातें ताकि बार बार मुझे पन्ना नहीं खोलना पड़े, देखिएगा ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया था, यहाँ पे डब्ल्यू, ये यहाँ बोर्ड लगा ना, यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको दिख रही होगी डब्ल्यू एल, ये आपको दिख रही डब्ल्यू एल, ये कैसे निकालते हैं भी आपको सीखना पड़ेगा। एक्चुअली बोल्ट को गजर प्लेट से कनेक्ट किया जाता है, तो एक फिक्स डिस्टेंस है जिस पर बोल्ट लगा, ये अपनी मर्जी की बात नहीं, हमने जहां मर्जी लगा दिया ऐसा नहीं होता है। और ये चीज आपको मिलेगी लिखा हुआ पेज 168 टेबल 10, 20, 30 और 31 पेज टेबल नंबर 31 ऑफ हैंडबुक, टेबल नंबर 31 ऑफ हैंडबुक पेज 168 पे मिलेगा डब्ल्यू एल। लेकिन यहाँ तो इस फॉर्मूले में डब्ल्यू एल है, पर टेबल में ये चीज स्मॉल सी के द्वारा दी गई है। टेबल में तीन चीज मिलेगी आपको, स्मॉल ए मिलेगा, स्मॉल बी मिलेगा, स्मॉल सी मिलेगा, तीन चीजें मिलेगी। हमारा जो डब्ल्यू एल है वो स्मॉल सी होता है। अब आप पूछेंगे सर ए और बी क्या होते हैं, तो क्या है कि एंगल को कभी कभी, जो आपके लिए नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एंगल को, एंगल की किसी लेग को कभी कभी दो बोल्ट से जोड़ते हैं, एक ही लेग दो बोल्ट से जुड़ जाती है और कभी कभार उसको एक बोल्ट से जोड़ते हैं। तो अगर एक बोल्ट से जोड़ा, जो कि नॉर्मली होता है, एक बोल्ट से जोड़ा जाए, एक लेग से जोड़ा जाए, एक बोल्ट नहीं सॉरी एक लेग से, उस केस में डिस्टेंस सी कहेंगे। अगर दो बोल्ट हो जाए तो फिर ए और बी होंगे। कैसे, मैं सिखा रहा हूँ आपको।
क्या बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, पेज नंबर 168 टेबल नंबर 31, ये देखिएगा, ये हैंडबुक है भाइयों, ये कोड नहीं है, ये हैंडबुक है। कोड तो ये था कोड, ये है हैंडबुक, हैंडबुक का पेज नंबर 168। ओके, ये आपको देखो एंगल दे रखा है, दे रखा है यहाँ पे एंगल, एंगल दे रखा, देखिए ये यहाँ तीन तीन सुराख दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं तीन सुराख हो रहे हैं, सुराख तो दो ही होंगे, सुराख तो हमेशा दो ही होंगे, अगर दो सुराख होंगे ना तो ये ए और बी काम आएंगे, दिख रहा है दो सुराख, और अगर एक सुराख हो रहा है तो ये सी काम आएगा, ये तीन तीन सुराख एक साथ नहीं होते हैं। अब देखो जो लेग जुड़ रही है यानी जो लेग कनेक्टेड है, यानी आपको अगर ये पता है कि जो लेग कनेक्टेड है वहां पे दो बोर्ड जुड़े जा रहे हैं, तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लेग साइज, दिख रहा है आपको लेग साइज, ये लेग साइज का मतलब जो लेग जोड़ी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो आउटस्टैंडिंग लेग की बात नहीं कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं ना उस लेग की बात कर रहे हैं, तो जोड़ी की लेग की साइज दो, मतलब लेग की लेंथ 200 mm, 150 mm, इस तरह से 130 mm, 125, ये सारी है, वो ये मिला गया 20 mm तक आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे डबल रो ऑफ रिवेट्स, अगर रिवेट की जैसे मान लो 200 mm की कोई लेग है उस पर आपने दो रो, एक्चुअली रिवेट कहते हो बोल्ट कहते हो, रिवेट बोल्ट दोनों सही है, आजकल रिवेट काम नहीं आता तो ये बोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, अगर दो बोल्ट से जोड़ रहे हैं तो ए की वैल्यू है 75, बी की वैल्यू है 85। अब देखिएगा ये यहां से 75 पर एक सुराख करेंगे और ये 85 पे है ना, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 75, बी की वैल्यू 85, 85 है, 85 से, हाँ 85, 85। अगर 150 की लग जोड़ रहे हो, 150 वाली, तो ए तो है 55 और बी है 65, इस तरह से आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ये आपको कोई अपने मन से कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको हैंडबुक में मिलेगा, यानी आपको किस जगह रिवेट या किस जगह बोल्ट लगाने हैं वो आपको मिल रहा है, लेकिन नॉर्मली हमारे कभी ए और बी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है दो बोल्ट से जोड़ने वाला, हमेशा एक बोल्ट वाला ही आता है, मतलब एक सुराख वाला ही आता है, एक बोल्ट नहीं, बोल्ट तो चार पांच हो सकते हैं, सुराख जो है वो एक लेग जो है वो सुराख, यहाँ दो सुराख हो रहे हैं ना, तो वहां आप एक एक जब सुराख वाला काम आएगा तो ये हमेशा सी डिस्टेंस काम आएगी। अब देखिएगा जैसे ये 150 mm की लेग लेंथ है जो जोड़ी जा रही है, अगर दो बोल्ट लगाते हैं तो ये 55 और 65 यानी ए और बी, अगर इसी लेग को जोड़ रहे हैं एक सुराख के द्वारा तो आपको सी वैल्यू काम, देखो सी देखा यहाँ पे, सी सी कितना हो जाएगा 150 के लिए 90 हो जाएगा, इस तरह से काम आ जाएगा। ये भी छोड़ दीजिएगा, ये फिलहाल आपके काम की चीज नहीं है, हालांकि लिखा हुआ इसके अंदर कि मैक्सिमम बोल्ट की साइज और डबल रो ऑफ रिवेट्स, तो डबल रो हम कभी काम लेते नहीं नॉर्मली, इसको कभी काम लेते नहीं, ये लिखा हुआ आप उसको पढ़ लेना, कभी भी आपके बीटेक में काम आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी हम काम की चीज कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके काम नहीं आने हैं, केवल ये सी वाला मैटर काम आना है, यानी जिस लेग को आप जोड़ रहे हो उस लेग की लंबाई यहाँ मिलेगी आपको, और एक आप कतार लगा रहे हैं बोल्ट की, एक सुराख बन रहा है सेक्शन के अंदर, इसी डिस्टेंस काम आ जाएगी। ये हमने इस फिगर में इसको डब्ल्यू एल का है, दरअसल ये सी है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे डब्ल्यू एल को हम सी मान रहे हैं, और ये पेज 168 टेबल 31 हैंडबुक में मिलेगी, और ये मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ये इतना डीप में आपको नहीं मिलेगा कोड में, मैंने इसको मान लिया आपको समझाने के लिए, ये ISA 100-75-6 है, क्या है ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 175-6, यानी कि और जो लेग हमने कनेक्ट किए ना वो छोटी लेग को कनेक्ट किया है, देखो 75 को कनेक्ट किया है, और लॉन्ग लेग जो है 100 को मैंने आउट स्टैंड रखी हुई है, ये मैंने बोल्ट से जोड़ा है और यहाँ मैंने वेल्ड से जोड़ा है। अब देखिएगा मैं एक एक करके आ रहा हूँ सब चीज पे, पहला क्या था हमारा, यहाँ देखिएगा ये जो पहली चीज ANC, अगर आपको याद हो तो ये देखिएगा ANC FU गामा MS, ANC जो होता है वो सीख लो पहले आप,
एएनसी का मतलब होता है नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। तो कनेक्ट लेग ये है ना, ये वाला लेग कनेक्टेड है आपकी, तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो ये लेग की लेंथ ले लो, कितनी है 75 है ना, 75 माइनस होल का डायमीटर। हमने ये मान लिया कि जो बोल्ट है, देखो मैंने ये लिख दिया, आई अज्यूम्ड एम 16 बोल्ट, यानी कि 16 mm डायमीटर का बोल्ट है। अगर बोल्ट 16 mm डायमीटर का है तो उसका जो होल का डायमीटर कितना, 18 हो जाएगा। अगर ये मान लो डायरेक्ट पंच किया जाता, एक मैंने क्लॉज दिखाया था आपको, तो उसमें 18 में दो और जोड़ेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, हम 18 लेंगे। 16 का अगर बोल्ट है डायगा तो उसको 18 लेंगे डी एच, तो ये डी एच है। माइनस टी बाई टू, याद रखिएगा जो लेग की लेंथ है ना वो लेंगे, उसमें 16 का डायमीटर घटाएंगे, फिर जो मोटाई है ना इस लेग की, मोटाई कितनी इसकी 6 mm, तो 6 का आधा लेंगे, 6 का आधा लेंगे और इसको फिर आप 6 से गुणा कर देंगे, ये हो गया आपके नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, पर मैं आपको सिखाता हूँ इस चीज को, देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत बेसिकली पढ़ाई करता हूँ और जो बच्चे मेरे वीडियोस को पूरा देखकर, थोड़ा समय तो लगेगा, आपका नेट भी खर्च होगा, इंटरनेट खर्च होगा, लेकिन जो आपको मिलेगा ना वो अद्भुत होगा और वो ऐसा होगा जो अतुल्य होगा, वो आप पैसे नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा ये नॉर्मली क्या होता है कि ये एंगल सेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, होता जैसा है, लेकिन सुविधा के रूप में हम क्या करते हैं इसको एक सिंपल सा, एक ये इसको कर्व नहीं मान के इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस। जैसे यहाँ पे आपने ये सुराख हो गया, सुराख हो गया मतलब कि आपका डीएच है, डायमीटर ऑफ होल है। अच्छा ये थिकनेस है डी, ये भी थिकनेस डी है। अब ये जो आपने लेग कनेक्ट की है ये वाली, ये कितनी है, ये 75 है, और ये जो लेग आपकी आउटस्टैंड कर रही है ये कितनी है, 100 है। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं, अब यहाँ एक चक्कर है कि आप 75 लेते हैं यहाँ तक, तो ये कुछ परसेंटेज का उसमें चला जाएगा, तो यहाँ एक कोड कहता है कि यह एक आप लाइन खींच दीजिएगा, ऐसी लाइन खींच दी हमने, ठीक है। अब ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये तो हो गया आपका कनेक्टेड में, और वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग में। अब यहाँ ये जो तिरछी लाइन दिख रही है ये एक्चुअली 45 डिग्री होगी, तो हम क्या करेंगे इसके दो भाग कर देंगे, एक तो यू वाला कर देंगे, एक ये वाला कर देंगे ऐसे। अब एक काम करते हैं, मुझे ये इसका निकालना एरिया किसका, कनेक्टेड का। तो पहले तो ये मान लेता हूँ ये रेक्टेंगल पूरा है, मैंने इस रेक्टेंगल को पूरा मान लिया, ये पूरा रेक्टेंगल ही कंप्लीट, यानी 75 × t, टी को 6 मान लेते हैं, ये लो। ये बताओ ये 75 × 6 इस आयत का एरिया वर्क नहीं हुआ, हो गया माइनस, ये सुराख तो घटाना पड़ेगा, ये तो है डी एच और ये टी, डी एच जो भी होगा इंटू टी घटा दिया, लेकिन हमने अभी ये आयत पूरा ले लिया था, कंप्लीट ले लिया था, जबकि हमको यहां तक लेना था। इसका मतलब ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है वही वाला ट्राइंगल लेस करना पड़ेगा माइनस, और ट्राइंगल का ये आधार है और ये ऊंचाई है, ये भी टी है और वो भी टी ही है। और अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल है, ये भी टी है और ये भी टी है, इसके लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू टी इंटू टी होता है, तो हाफ इंटू टी इंटू टी, इसको भी एक बार टी मान लेता हूँ। अब देखो ये 75 × t माइनस डी एच इंटू टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप ध्यान से अगर देखें, अगर मैं इसका टी कॉमन ले लूं, तो ये 75 माइनस डी एच माइनस टी बाय 2 इंटू टी हुआ नहीं हुआ, टी मैंने कॉमन ले लिया, 75 माइनस डी एच माइनस टी बाय 2, ये चीज मैंने आपको यहाँ सिखाई है, यहाँ पे ये देखिएगा 75 माइनस डी एच का मतलब 18 माइनस टी बाय 2। अब चाहिए आपको आउटस्टैंडिंग का,
ये आपकी लेग आउटस्टैंडिंग है, इसका एरिया चाहिए आपको। तो पहले तो अभी मान लो अगर पूरा होता कंप्लीट रेक्टेंगल तो कितना होता, ये 100 पूरा लेते अपने कंप्लीट इनटू टी, लेकिन लेना था आपको यहाँ तक ही था, ये लाइन है ना सेपरेशन लाइन है, उधर वाला तो आउटस्टैंडिंग में, इधर वाला तो कनेक्टेड में, आपने अभी पूरा ले लिया 100 इनटू टी में, यानी ये वाला जो मैंने डार्क किया है ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, ये भी टी है वो भी टी है, तो माइनस हाफ इंटू टी, यहाँ भी टी कॉमन ले लेंगे तो 100 - t/2 × t। तो आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि सुराख का मतलब तो सुराख नहीं होता, तो डीएच नहीं घटेगा लेकिन टी बाय टू जरूर घटेगा। ये देखिएगा ए जीओ एरिया ऑफ द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ द ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग मतलब ये वाला है, ये कितना है 100, तो 100 माइनस टी बाय टू इंटू टी। मेरे ख्याल ये आपके एकदम से क्लियर हो गया होगा ए एन सी और ए जीओ। एफ यू गामा एम एल कोई दिक्कत ही, ए वाई ये क्या नाम, ये एफ वाई गामा एम ओ सब कुछ क्लियर है पहले से ही। अब डब्ल्यू डब्ल्यू देखिए जरा फिगर के अंदर आपको मिलेगा, ये आउटस्टैंडिंग लेग की जो लेंथ है वो डब्ल्यू कहलाती है, डब्ल्यू कोई समस्या नहीं है, 100 mm हो जाएगी, टी 6 mm दे रखा है। बी एस, बी एस के लिए फॉर्मूला दे रखा, देखिए अगर ये आपका सिंगल एंगल है तो बी एस के लिए फॉर्मूला ये मैं नहीं दे रहा हूँ, कोड दे रहा है, बी एस इजिकल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल माइनस टी, ये डब्ल्यू तो यही डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू एल, अभी जो आपको सिखाया मैंने सी पेज नंबर 168 टेबल हैंडबुक की, वो जो मैंने अभी पूरा 2 मिनट समझाया था सी के बारे में, वो डब्ल्यू एल वही है एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा ये 100 + 40 - 6, ये 40 में आपको सिखा देता हूँ, ये 40 कहाँ से देखिए, मैंने यहाँ देखो 40 लिया ना, अब देख लो मैंने यहाँ 40 लिया, कहाँ से लिया है, पेज 168 ऑफ हैंडबुक। 40 क्यों लिया है, 40 इसलिए लिया है कि जो लेग आप जोड़ रहे हो उसकी लंबाई 75 mm है। अब आप देखो जरा यहाँ पे ये रही लेग की साइज कितनी ली मैंने, ये देखो ये 75 नहीं, यहाँ पे 75 75। अब यहाँ ये दो डैश करें, डैश का मतलब कि 75 लेग कभी दो सुराख तो कभी होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं, कोड ही मना कर देता है, हैंडबुक मना करती है दो सुराख के लिए। अच्छा ये आपके एमसीक्यू आ सकता है भाई, एमसीक्यू बन सकता है, ऐसा ऐसे कई एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे ये दो सुराख है दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लेग की लेंथ कितनी है 100 mm, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको किसी लेग को गजर पेड़ से दो सुराख के द्वारा जोड़ना है, यानी दो रो में दो कतार में आपको बोर्ड लगाना है इनटू रोज, तो बताइए उस लेग की मिनिमम लंबाई सॉरी मिनिमम लंबाई कितनी होगी, आप आंसर क्या होगा 100 mm, दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्योंकि 100 से नीचे तो आपको आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे वैल्यूज, तो ये 100 से कम की अगर लंबाई है तो फिर एक ही बोर्ड लगेगा, एक सुराख बनेगा, और 100 से ज्यादा पर ये दो भी लग सकते हैं और एक भी लग सकता है, तो ऐसे आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए ध्यान से, मैं वो बता रहा हूँ जो नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते हैं कहीं पर भी, ना टीचर बताएंगे ना आपको किसी और वीडियो में, आप इंटरनेट पे कितने भी वीडियो देख लें, आप कितने भी देख लें हजारों सैकड़ों देख लें, वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 40 सालों से ये तो कमाया और क्या कमाया है। तो ये कितना लेता है अपन यहाँ पे 75 तो 75 के सी देखिए यहाँ पे ये कितना देख रहा है आपको यहाँ पे 40 है ना, यहाँ पे 40 देखिए यहाँ पे ये 75 के सी में यहाँ पे देख रहा है आपको 40, और यही 40 मैंने यहाँ पे लिया है, यही 40 मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखिएगा बीस का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल माइनस टी, डब्ल्यू का मतलब ये कितना था, ये 100 + w कितना था 40, 100 + 40 - 6। अब एल सी क्या है, देखिए हमारा फॉर्मूला था ना, ये इसमें एल सी भी आ रहा है, देखिएगा एल सी आ रहा है ना, ये देखो आपको मैंने डब्ल्यू समझा दिया बीटा का,
टी मैंने आपको बता दिया, जो आपको पार्ट जोड़ रहे हैं उसकी मोटाई, एंगल की मोटाई आएगी यहाँ पर। और एफ वाई समझा दिया हूँ, एफ यू वही है कोई, ये दोनों बातें कॉमन है, बार बार काम रह रहे हैं। बी एस मैंने आपको सिखा दिया अभी। अच्छा अगर अपन बात करें वेल्ड की, उसमें क्या होगा बी एस, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा वेल्ड की बात करते हैं ना, अब ये इसका है देखिए, यहाँ पे लैग कनेक्टेड, ये कनेक्टेड लैग है। यहाँ एनसी क्या था, यहाँ चूंकि बोर्ड के लिए सुराग था ना, तो 75-18-T/20 था कनेक्टेड लैग के अंदर। पर यहाँ लैग तो कनेक्टेड 75 की है, पर यहाँ 75-6/2 x 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सुराग था, यहाँ तो सुराग है ही नहीं, ये वेल्ड है, कोई होल नहीं होता है। ये यहाँ तो -18 किया था ना, यहाँ -18 नहीं होगा, 75-6/2 x 6 बस। और बाकी जो आउटस्लिंग जो इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सुराग नहीं, यहाँ भी सुराग नहीं है। तो देखिएगा ए जियो में यहाँ भी 100-6/2 x 6 और यहाँ भी 100-6/2 x 6 ही होगा, बाकी सब बातें वही है। अब अपन बी एस की बात करते हैं। देखो ये कोड कहता है, हम नहीं कहते हैं, कोड में कहा है। इस केस में वेल्ड वाले केस में बी एस इक्वल टू डब्ल्यू होता है, जो आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ है ना वही इसकी बी एस कहलाएगी। यहाँ बी एस का मतलब होता है W+WL-T, और यहाँ बी एस का मतलब वेल्ड के केस में बी एस इक्वल टू डब्ल्यू, तो आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे बात चलते हैं। हम देखो सब कुछ समझ चुके हैं, W समझ चुके हैं, T समझ चुके हैं, एफ वाई एफ यू, अभी एलसी समझना बाकी है। एलसी देखिए एलसी कैसे समझाएं, एलसी के लिए यहाँ साफ साफ क्या रखा है कोड में, ये देखिएगा ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा हुआ है, कोड में लिखा मिलेगा। लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, जहां आपने रिवेट के द्वारा सॉरी बोल्ट के द्वारा या वेल्ड के द्वारा कनेक्शन किया गया ना, उसकी लेंथ कितनी है बस। अब इसमें वेल्ड और बोल्ट अलग अलग कैसे होते हैं, तो बोल्ट के केस में डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट्स इन द एंड जॉइंट, यानी दो जो एंड वाले बोल्ट है ना उनके बीच की दूरी, और वेल्ड केस में जो वेल्ड की लंबाई है फोर्स के पैरेलल वो इसमें ली जाएगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे तो रस्सी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने बोर्ड लगा रखा है, सपोज यहाँ भी बोर्ड लगा रखा है, ये बोर्ड है मान लो, अब ये डबल बोर्ड है, मैं इसको सिंगल मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। अभी तो आपको एक बोर्ड, आपको ये एक दिख रहा है एंगल, लेकिन जब साइड से देखेंगे ना इधर से, तब पता पड़ेगा ये बोर्ड है कितने। मान लीजिए ये यहाँ पे 6 बोर्ड है, चलो 5 मान लेते कुछ समय के लिए, ये 5 बोर्ड मान लिए मैंने, ये साइड से देखेगा वो साइड व्यू से, तो ये एंड बोल्ट एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनके बीच की दूरी निकाल लो बस, यही एलसी है, सिंपल है कि नहीं बताओ। अगर बोल्ट 5 हैं, पिच कितने बनेंगे, 4, क्योंकि देखिए ये पिच डिस्टेंस, ये भी पिच डिस्टेंस, ये भी पिच और ये भी पिच, कितने पिच बने, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए बोल्ट का जो होल है वो 18 mm का है, तो पी का एक्चुअली पी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी शुड नॉट बी लेस देन 2 × 2.5 D, यहाँ होल का नहीं होता है, ये बोल्ट का डाई होता है। अगर बोल्ट मान लीजिए 16 mm का है, तो नॉट लेस देन 16 × 2 कितना होता है, 32 और 8 40, 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब 40 लो, 45 लो, 50 लो, कभी 40 भी ले सकते हैं। मान लो मैंने 40 ले लिया, उस केस में 40 + 40 + 40 + 40 यानी 40 × 4 यानी कि 160 mm हो जाएगा। किसकी वैल्यू, एलसी की वैल्यू, क्लियर हो गया बिल्कुल आपके दिमाग में बात। तो ये देखिए मैंने यहाँ समझा भी रखा है, एलसी मैंने यहाँ ऐसा माना हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा मैंने, आप फिगर देखें, मैंने मान लिया ये 6 दिख रहा है, देखो 6 बोल्ट, ये 6 बोल्ट लगा रखे, यहाँ तो एक ही दिख रहा है आपको, ये एलिवेशन है, इधर देखेंगे तो पता पड़ेगा 6 है ये, तो 6 बोल्ट होंगे ना, तो पिच कितने बनेंगे, 5, तो एलसी कितना हो गया, 5 × पिच। अगर 7 बोल्ट होते तो 6 पिच बनते, तो 6 × पिच हो जाता, यहाँ 6 थे तो 5 पिच हो गए, पिच कितना, मैंने 40 ले लिया, 40 कहाँ से आया, पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 × 2 बोल्ट आया, बोल्ट आया मैंने 16 मान लिया, 16 × 2 = 40, ये 40 से कम नहीं होना चाहिए,
मैंने 40 ले लिया। आप कभी भी 45 लें, आप 50 लें, मैं नॉर्मली 50 लेता हूँ, सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। अगर 50 लेता ना तो ये 50x5 हो जाता, बस ऐसे निकालना आ गया। अब ऐसे निकालना सीख लो आप वेल्ड के केस में। अब देखिए, आपको एक बात पता होगी, मैंने पिछला जो वीडियो था, वीडियो नंबर 3, अब देखिए ये लैग कनेक्टेड है, ये लैग कनेक्टेड है। आपको अगर याद हो पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने ये लैग को कनेक्ट किया था, ये वाली ये कनेक्टेड लैग थी, ये वाली। अगर मैं इधर से देखता हूँ, इधर से ये सीजी है, ये दूरी कम होती है, ये दूरी ज्यादा होती है। जिधर दूरी ज्यादा होती है उधर लैग वेल की लंबाई कम होती है, और जिधर दूरी कम होती है उधर वेल की लंबाई ज्यादा होती है। तो आप समझिएगा, ये जो जहां से दूरी नापते हैं ना, ये इधर से लंबाई कम, उधर से वो जो खूंट है वहां से कम होती है, और जो टो है वहां से ज्यादा होती है, यहाँ से कम होती है। तो जिधर दूरी कम है उधर वेल की लंबाई ज्यादा होती है, और जिधर दूरी ज्यादा है उधर वेल की लंबाई कम होती है। तो आपको तो फोर्स लग रहा, हमारा ऐसे लग रहा फोर्स, तो फोर्स के पैरेलल वेल की लंबाई कितनी है? तो भाई ये भी फोर्स के पैरेलल ही है, ये भी फोर्स के पैरेलल ही है। मान लो ये लंबाई है 30 mm, ये लंबाई है 70 mm, तो आपको 70 लेनी है, 30 नहीं लेनी है। अब यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है किसी के, तो कोड में तो कुछ कहा नहीं है, कोड में देखिए बात कही गई है, कोड में लिखा हुआ है वेल्ड लेंथ पैरेलल टू फोर्स। अब पैरेलल टू फोर्स तो ये भी है और ये भी है, लेकिन जो कुछ स्टैंडर्ड की बुक्स में देखी है, जो बहुत अच्छी प्रामाणिक किताब है, जिसके आगे कोई किताब दूसरी ठहरती नहीं है, उन्होंने लंबी लेंथ को लिया है। कुछ किताब ऐसी है जिन्होंने एवरेज ली है। आप एग्जाम में कुछ भी ले उसको रेफर करते भी, हमने एवरेज लिया तो कोई नंबर नहीं करते इसके अंदर। जैसे मान लो ये लेग की लंबाई, ये वेल्ड की लंबाई 30 है, ये मान ली 70 है, और आपने इसको 30 + 70, 100/2, 50 ले लिया, तो भी कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ये पक्की बात है, गलत नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छी किताब जो है, बहुत शानदार किताब जो जो सबसे ज्यादा चलती है, उसने लॉन्ग ये लंबा जो वेल्ड ले लिया, इस वगैरह बड़ा वाला ले लिया। तो आपको भी मेरी राय है ये लेना चाहिए। अगर ये छोटी लंबाई है इसको छोड़ दो, बड़ी लंबाई आप ले लो वेल्ड। और अगर आप एवरेज लेते तो मेंशन कर दो वी हैव टेकन एवरेज लेंथ, क्योंकि ये भी किसी किसी बुक में दी गई है, और कोड ने कहीं इसको रेफर किया नहीं है। कोड ने सिंपल ये कह दिया है कि देखो लिखा हुआ है एलसी के बारे में, ये बताऊं आपको, ये आपका पेज नंबर 33, ये देखो एलसी के बारे में लिखा ना आपको, एलसी दिख रहा आपको यहाँ पे, देखो एलसी पढ़ के सुनाता हूँ। लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट्स इन द एंड जॉइंट मेजर्ड अलोंग द लोड डायरेक्शन, और लेंथ ऑफ द वेल्ड अलोंग द लोड डायरेक्शन। अब लोड डायरेक्शन के अलोंग यानी कि उसके पैरेलल तो छोटी लेंथ भी है और बड़ी लेंथ भी है, तो इससे ऐसा कहा नहीं है कि बड़ी लो या छोटी लो, हमने बड़ी ले ली, अधिकांश बुक ने बड़ी ली है, लेकिन कुछ बुक्स ने एवरेज भी ली है। तो यहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं, आप बड़ी लाइन ले लीजिएगा। तो इस तरह से अपना ये वीडियो आज हुआ पूरा ही है, मैंने हर चीज आपको समझा दी है। अब क्या हो गया, ये जब सारी चीज आपको पता हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे वेल्ड के अंदर क्या लेंगे, मैंने ये माना है कि देखो ये यहां से दूरी नापेंगे ना, देखो इस साइड में ये दूरी कम होती है, दूरी कम होती है उधर वेल्ड की लंबाई ज्यादा होती है। अगर इस लंबाई को मैं वेल्ड की लंबाई को L1 मान लूं, और ये दूरी ज्यादा है, ये लंबाई में L2 मानो, ये जिधर से नापते सीधी दूरी उधर दूरी कम होती है, तो ये L1 लंबाई है ना, और वो L2 लंबाई है, और L1 लंबाई में से L2 से ज्यादा हो, यानी जिधर दूरी कम होती है उधर वेल्ड की लंबाई ज्यादा होती है। L1 बड़ा है L2 से, L1 मतलब लेंथ ऑफ वेल्ड। इस केस में आपको जो है ये जो LC है वो L1 लेना है, समझिए ना। और BS तो W होता ही है, मैं समझा सकूँ आपको, तो आपको मैंने हर चीज समझा समझा दी है। और जब आपने ये निकाल लिया, बीटा निकाल दिया, इससे बीटा निकल गया ना, 1.4 - 0.076 × W/T × F, ये आप सोच रहे होंगे सर ने इतना बताया एग्जाम में देखिए घंटा लग जाएगा, अरे नहीं लगता, इनको करने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं। ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लग रहा है, आप जो करने बैठेंगे ना तो ये पूरा सवाल नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। शुरू में हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, 40 मिनट लग जाए, 50 मिनट लग जाए,
लेकिन जब दो तीन सवाल करेंगे ना तो आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा, और चूंकि हर चीज कोड में लिखी हुई है कोई चक्कर ही नहीं है। तो आपने जब सब निकाल लिया, सब डिटेल इसमें रखा TDN के फॉर्मुले में, निकल गया। अच्छा बीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ से निकाली आपने, अब यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको। और नॉर्मली हमेशा ये चेक सही आता है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको केवल एक शो करना है जो आपने बीटा निकाला है वो जो 0.7 से कम नहीं है और FU/FY × γMO/γMA से ज्यादा नहीं है, यानी आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही निकालनी पड़ेगी। आपको जो वैल्यू बीटा की आती है इस फॉर्मूले से वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए बस, और वो नॉर्मली आती आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा गया, बीटा वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दी, ये बीटा यहाँ पुट कर दिया, बीटा पुट करते ही आपको TDN मिल जाएगा। ये आपको मैंने सिंगल एंगल के बारे में बताया है, अब डबल एंगल के बारे में अगले वीडियो में, और एक जो होती है आपकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ वो भी अगले वीडियो में। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक टर्म को समझें और कोड खोल के बैठें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं, आपको लाभ होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।